दोस्तों, आज मैं आपको बहुत सिंपल सी वैलेंटाइन डे डिज़र्ट की रेसिपी दूंगी। आज हम बनाने वाले हैं फ्रूट ट्राइफल। तो इसे बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी? सबसे पहले हमने दो तरह की पुडिंग ले ली है, ये आपको मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगी। फिर हमें मार्बल केक की ज़रूरत होगी, आप कोई सा भी केक ले सकते हैं, यहाँ हमने मार्बल केक लिया है। फिर हमें जेलो की ज़रूरत होगी, स्ट्रॉबेरी जेलो। डेकोरेशन के लिए चॉकलेट चिप, हार्ट शेप, फ्रूट में हमें बनाना चाहिए। स्ट्रॉबेरी की ज़रूरत होगी, ये आप स्ट्रॉबेरी को काट लीजिए वॉश करके। और हार्ट कैसे बनाना है स्ट्रॉबेरी से, ये मैं आपको बताती हूँ। ये मेरे पास एक कटर है, थोड़ा बड़ा है बट इससे हमारा काम चल जाएगा। सिर्फ हमें हार्ट ही बनाना है। ये देखिए कितना बढ़िया सा हार्ट शेप निकल आया है। इसी तरह आप काट लीजिए सभी स्ट्रॉबेरी को हार्ट शेप। अब आपने ये इस तरह की कोई ग्लास ले लेने हैं, ट्राइफल कोई भी ग्लास ले सकते हैं आप शीशे का। अब अपने मार्बल केक को हमने कट करना है। ये इस तरह से आप निकाल लीजिए, आपके घर में कोई भी ग्लास हो उससे कट कर लीजिए, इजी सी कट हो जाएगी। इसको हमने इसमें फिट कर देना है और जो भी एक्स्ट्रा जो है ये इसमें डाल देना है। फिर हमने एक रख लेना है। इस तरह से आप काट लीजिए। हमें कोई चीज वेस्ट नहीं करनी है। अब हम इसके बाद स्ट्रॉबेरी डालेंगे। एक एक करके आप स्ट्रॉबेरी लगाते जाइए। अंदर प्रेस करके लगाइए ताकि अच्छे से ये अंदर फिट हो जाए। ये सभी आप ये देखिए कितने अच्छी तरीके से सारे फिट हो गए हैं। अब हमने क्या करना है, अब हम इसमें जेलो डालेंगे जो हमने ली थी। ये मैंने जेलो जमा के मैंने इसको ऐसे स्पून से इस तरह कर दिया, ये क्रश हो गई। आप ये डाल देंगे। अभी मैं आपको ये एक दिखाती हूँ। जेलो डालने के बाद इसमें हम बनाना डालेंगे। ये मैंने पुडिंग को पाइपिंग बैग में डाल लिया है ताकि इजी सी डल जाए।
इसको पूरा कवर कर देना है। इसी तरह हम इसमें वनीला पुडिंग डालेंगे। अगर आपके पास पाइपिंग बैग नहीं है तो आप इसको स्पून से डाल लीजिए, जिससे भी कैसे भी आप इसको पूरा कवर कर लीजिए। ये हमने हार्ट बनाया था, ये लगा देंगे इसमें ऐसे। इसी तरह हम दूसरे ट्राइफल को भी हम ग्लास को अपना फिल कर लेंगे। इसी तरह हम दूसरे ग्लास को भी इसी तरह पोर कर लेंगे। एक एक करके स्ट्रॉबेरी इसमें लगाते जाएंगे। बहुत सिंपल सी और इजी सी बनने वाली डिजर्ट है। ये स्ट्रॉबेरी जेलो डाल देनी है। जेलो डालने से ये होगा, जो केक है, जो हमने मार्बल केक जो डाला इसमें, वो थोड़ा मॉइस्ट हो जाएगा थोड़ा सा, तो उस वजह से हमने इसमें स्ट्रॉबेरी जेलो डाला है। अब हम बनाना की एक लेयर इसमें लगा देंगे ताकि ईच बाइट के अंदर फ्रूट्स आए, इसके अंदर केक केक और पुडिंग का टेस्ट आए। इसको लगाने के बाद अब हमने फिर हम वनीला पुडिंग डालेंगे। अगर आपके पास हार्ट शेप चॉकलेट नहीं है तो आप कोई सी भी चॉकलेट ले लीजिए, वो डाल दीजिए।
ये ऐसे साइड पे रख दीजिए। अब मैं आपको थोड़ा सा डेकोरेट करना करने के लिए बताती हूँ, ताकि आप अगर डिज़र्ट अगर आप किसी के सामने जा रहे हैं अगर रखने, या जो भी आप जिसके साथ भी सेलिब्रेट करना चाह रहे हैं वैलेंटाइन डे, तो आप देखने में बहुत ब्यूटीफुल और बहुत ऑर्गेनाइज सा लगना चाहिए। यहाँ मैंने ये जो बीट्स ले ली हैं, ये मैं आपको दिखा दूँ, ये मैंने हार्ट शेप बीट्स ले ली हैं, ये आप एक एक करके रख दीजिए। अगर आप इसमें फ्रेश फ्लावर रखना चाह रहे हैं वो भी रख लीजिए, कुछ भी रख सकते हैं आपके पास, कुछ भी, कोई डेकोरेशन का कोई भी स्टफ हो आप रख सकते हैं। मेरे पास ये थे, तो ये आपको मैं सिंपल सा आइडिया दे रही हूँ। ये डिज़र्ट इस तरह रख दीजिए। ये देखिए, ये आपका डिज़र्ट रेडी है। देखने में बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और खाने में इससे भी ज़्यादा बहुत ही टेस्टी है। तो प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई करें मेरी रेसिपी, वैलेंटाइन डे अपना सेलिब्रेट करें, अपने हाथों से बनाएं और इन्जॉय करें। बाय, हैप्पी वैलेंटाइन डे।